अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो ठीक होंगे और आपके दुआओं के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम ग्रिल के लिए आए हैं, कुछ आप लोगों से भी शेयर करते हैं। और शेयर करने से पहले ऐसा कुछ तैयार कर लेते हैं। अच्छा, हमने तैयार कर लिया, अब हम ग्रिल ओपन करते हैं। ग्रिल को ओपन कर लिया, इसे प्लास्टिक हटा लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हटाना ज़रूरी है वरना धुआं करेगा। अब हम कोयला डाल लेते हैं और थोड़ा सा और डाल लेते हैं। लोग देख रहे हो ऊपर से कि भाई क्या चल रहा है इधर। चलो देखना है तो चाहिए। ओके, हम जाली रख रहे थे इसके ऊपर, फिर हो गया। और जाली के साथ तो ये सब तो हो गया। अभी जो है ना, एक एक्स्ट्रा जाली नीचे रख लेते हैं और साथ में अपने दस्ताने निकाल लेते हैं। ऑयल किधर गया, तेल। अच्छा, तेल डाल लेते हैं और तेल के साथ साथ आग लगा लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट। ओके, हमारा आग लग गई और ऐसे ऐसे आग लग जाएगी। एक लिहाज से तैयारी कंप्लीट हो गई। बस आप लोग आगे शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो साथ रहे हैं, देखते हैं। कल रात बारिश हुई थी और आज बहुत ही अच्छा मौसम है। बादल हैं और हल्की हल्की हवाएं आ रही हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और ये जो है हमारे कैंपिंग, मतलब हमारे साथ जो इलाका है, बहुत ग्रीन है और बहुत फ्रेश लग रहा है। साफ सुथरा, तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। तो इसलिए हमने सोचा एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। अच्छा, हम अब और तैयारी करते हैं। चार्ज के लिए सोलर भी लगा हुआ है। ओके दोस्तों, एक मिनट, मैं दूसरा कैमरा ओपन करता हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ। वेट, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ में मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज हम ग्रिल करने वाले हैं, सोचा आप लोगों का भी शेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी जो है हम गोश्त काट लेते हैं। नॉर्मल तो मैं घर में गोश्त काटता हूँ, लेकिन सोचा मैं इधर ही काट लेता हूँ, आप लोग उसका शेयर भी कर लेता हूँ। क्या घर ले जाना है, घर में काटना है, पहले क्या आना है, तो चलो इधर ही काट लेते हैं। आप लोग चेक करते हैं और मज़े लेते हैं। बड़ा हो गया, थोड़ा सी सेट काटते हैं, कम कर लेते हैं, क्योंकि मैं अकेला इतना नहीं कर सकता। वैसे बड़े ईद भी तो आ रहा है गोश्त के महीने, हम पहले से खा लेते हैं, क्योंकि बहुत अरसा लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से ग्रिल करने की इजाज़त नहीं थी। ये जो हम मसाला लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं मैक्स मसाला, स्पेशल ग्रिल के तैयार किए हुए खुद। इसमें सब कुछ है, गरम मसाला, मिर्ची और ग्रिल मसाला, सब कुछ मिक्स किए हुए। अच्छा जी, हम इसके ऊपर जाली रख लेते हैं।
अभी तो हो गया, अभी जो है ना हम फसली निकालेंगे, फसली करेंगे, फसली मतलब भिजवाए तो भिजवा बोलते हैं पाकिस्तान में, उसको फसली बोलते हैं। तो इसको भी थोड़ा मसाला लगा लेते हैं। ये जो चिकन ब्रोस्ट जो है ना, ये मेरे कैमरामैन भाई के लिए है, क्योंकि उसको ज़्यादातर बकरी का गोश्त अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके लिए एक्स्ट्रा चिकन गोश्त और चीज़ें लेके आए हैं कि वो भी मज़े ले सके हमारे साथ। अक्सर जगह पे हमने जो वॉइस रिकॉर्ड किए बाद में रिकॉर्ड किए, क्योंकि हम अपना माइक घर में भूल गए थे, तो सोचा चलो जहाँ पर हमने कुछ नहीं बोला है और बोलना चाहिए था क्योंकि माइक ना होने की वजह से, तो अब हम अभी बोल लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा। अच्छा ये तो हो गया डन, अब हम अपने हाथ धो लेते हैं थोड़ा सा। वैसे आप लोगों को एक बात बोलना था कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, शुक्रिया। सूरज भी निकल आया, मौसम को और सुहाना हो गया। यार हर कोई जो भी रास्ते से गुजरते हैं ना, तो फहीम कबीले को ज़रूर देखते हैं कि फहीम कबीला जो है जर्मन में आ गया है, और एक अर्दोगल कबीला है जो तुर्की में है, और फहीम कबीला जर्मन में है। जगह पे जो है ना आग नहीं लगी है, ओके अब हम गोश्त रख लेते हैं। पूरा एरिया पकड़ लिया, अब हम फ्रिजर रख लेते हैं, बहुत गर्माश आ रही है। सॉरी मैं फ्रिजर बार बार बोलता हूँ क्योंकि इसको तो फसली बोलते पाकिस्तान में। बाकी गोश्त को हम सर्व कर लेते हैं। जो कुछ रहेंगे इसको प्लेट में डाल लेते हैं, इसको हम बाद में पकाएंगे क्योंकि इधर शाम तक बैठना जो है, जब इसको ख़त्म कर लेंगे तो बाकी गोश्त को बाद में पकाएंगे। चलिए तो ज़्यादा तो नहीं रहा, तीन चार सीख रह गए। अब नमक थोड़ा सा डाल लेते हैं, सॉरी
फिर से थोड़ा सा डाल देते हैं मसाला। अभी नीचे आग लग गई है और आग बुझाने के लिए जो है हम थोड़ा नमक डाल लेते हैं, क्योंकि नमक से थोड़ा आग ख़त्म होती है और इसका जो खट्टापन होता है डिब्बुआ में आता है वो भी नहीं होता है। आग तो ख़त्म हो गई, अभी हम थोड़ा फिर से गोश्त रख लेते हैं। जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अभी हम इसमें ना नेचुरल नमक डालेंगे। नमक अच्छा, इसका सर पे कागज़ लगा हुआ है, मैं भी सोच रहा हूँ कि नमक क्यों नहीं आ रहा है। ये आ गया नमक, अभी इस पर हम फ्रेश फ्रेश नमक डालेंगे और नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि फिर नमक ऑयल के साथ गिर जाता है, फिर गोश्त फीका हो जाता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डालेंगे। अच्छा जी, ये हो गया परफेक्ट। चिकन पे हम मसाला नहीं डालता और नमक नहीं डाला चिकन पे। अभी जो है हम एक टमाटर काटेंगे और टमाटर का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चिकन के साथ। आग लग गई है, चलो इसको बाद में बुझा लेंगे, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी हम इसके साथ मिर्च भी रखते हैं क्योंकि जब इसके साथ खट्टी मट्टी मिर्ची हो फिर मुझे एक्स्ट्रा पसंद है मिर्ची। कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप लोगों को कैसा हमारा वीडियो लगती है। अच्छा जी, मैं ऑटो को भूल ही गया हूँ, ऑटो भी बनाना है, ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, ठंडा हो। फिलहाल मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सिर्फ दो ही डाल लेता हूँ और बाकी शाम को पकाएंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम रात तक चले जाएंगे। ये तो हो गया, थोड़ा साइड से थोड़ा जल गया, ये जलना नहीं है, ये वो जो आग लगी थी उसके से थोड़ा ब्लैक हो गया, इसको मैं थोड़ा फिर हटा लूँगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा चाकू से काट लेता हूँ कि अंदर अंदर भी पक जाए, फर्स्ट अच्छे से पक जाए, मतलब फिर और मज़ा आएगा। बन तो गया लेकिन अच्छा, हम चकली बनाते हैं। चकली तो हमने पहले से बनाया था, लेकिन बस सिर्फ दही के साथ मिक्स करते हैं। अच्छा जी, हमारा ग्रिल तैयार हो गया, बाकी ग्रिल हम बाद में तैयार करेंगे। अभी थोड़ा काले देखें कि मुँह में पानी आ रहा है, आराम से और नहीं हो रहा है इसलिए।
जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं कि हमारा गोश्त ठंडा हो रहा है और इंतज़ार नहीं हो रहा है गोश्त भूख लगी है। बहुत ही मज़े का बना है, ज़बरदस्त लाजवाब। अच्छा जी, अब हम चाय पी लेते हैं दूध पत्ती, क्योंकि हम घर से ही लेके आए थे। हम सोचा आज चाय नहीं पकाते इधर बाहर, चाय घर से ले जाते हैं, अपने कमरे में बाइक भी डाल लेते हैं। बहुत ही गर्म, क्या लोकेशन है, बहुत ही मज़े का। अच्छा दोस्तों, आज का सफ़र यही तक था, और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।